कि कंडीशन इन विच योर हार्ट पॉइंटेड, देखना हार्ट जो है हार्ट पॉइंट्स टूवर्ड राइट साइड, वो कौन सी कंडीशन है जिसमें आपका हार्ट जो है वो राइट साइड में पॉइंट होता है। मतलब नॉर्मली आपका हार्ट लेफ्ट साइड में पॉइंट होता है, अपेक्स लेफ्ट में होता है, बट यहां पर राइट साइड में पॉइंट होगा तो क्या बोलेंगे, क्या एक्टोपिया कार्डिस बोलेंगे, डेक्सोकार्डिस बोलेंगे, या आयोटिक आर्च सिंड्रोम बोलेंगे, या टकायासू डिजीज बोलेंगे। फटाफट आंसर पुट करिएगा बच्चों, या टकायासू डिजीज बोलेंगे। हार्ट नॉर्मली टूवर्ड्स किधर होता है बच्चों, लेफ्ट साइड, बट यहां पर हार्ट किधर पॉइंट है, राइट साइड में। हार्ट किधर है बच्चों, राइट साइड में। इसको क्या कहेंगे हम, किस नाम से प्रोनाउंस करेंगे, फटाफट आंसर पुट करेगा माय लविंग फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर, लेटर ऑन आई विल शो द पिक्चर। क्विक आंसर लिखिएगा, चार ऑप्शन आपके सामने। डेक्सोकार्डिया लिखा जा रहा है, एब्सोल्युटली करेक्ट होगा बच्चों, क्योंकि डेक्सोकार्डिया। यहां पर चार टर्म्स आपके सामने, मैं चारों का मीनिंग क्लियर कर देता हूं। देखिए डेक्सोकार्डिया का मैं इमेज बताऊंगा। एक्टोपिया कार्डिस का मतलब क्या होगा, ये कंजेनाइटल डिफेक्ट है। एक्टोपिया कार्डिस, ई से याद रखना एग्जिट, ई से याद रखना एग्जिट, और एग्जिट से याद रखना योर हार्ट विल लोकेटेड आउटसाइड द थोरेक्स, आपकी थोरेसिक कैविटी के बाहर आपका हार्ट लोकेटेड होगा। दैट कंडीशन एक्टोपिया कार्डिस, कंजेनाइटल प्रॉब्लम है। हार्ट इज एबनॉर्मली लोकेटेड आइदर पार्शली और आइदर टोटल आउटसाइड ऑफ द थोरेक्स, पूरा या आधा थोरेक्स के बाहर लोकेटेड होगा। दैट कंडीशन वी कैन से एक्टोपिया कार्डिस। आयोटिक आर्च सिंड्रोम और टकायासू को मतलब होता है इन्फ्लामेशन इनटू द आर्टरी, इन्फ्लामेशन, इन्फ्लामेशन इनटू आर्टरी, आर्टरी में इन्फ्लामेशन को टकायासू सिंड्रोम। और आर्टरी का बेस्ट एग्जांपल है आयोटा, यहां पर इसको लार्जेस्ट और लॉन्गेस्ट आर्टरी हम कंसिडर करते हैं, लार्जेस्ट और लॉन्गेस्ट आर्टरी हम कंसिडर करते हैं। दैट वी कैन से एग्जैक्टली आंसर ऑफ द एक्टोपिया कार्डिस। मैं इमेज को शो कर रहा हूं, या ध्यान से देखना बच्चों, इमेज को ध्यान से देखना, डेक्सोकार्डिया। इस पिक्चर को देखिएगा, ये आपके हार्ट का अपेक्स है, ये आपके हार्ट का अपेक्स है। नॉर्मली अपेक्स किधर होता है बच्चों, लेफ्ट साइड हो रहा है। नॉर्मली अपेक्स किधर दिख रहा है आपको, लेफ्ट साइड, नॉर्मली अपेक्स लेफ्ट साइड में दिख रहा है, और वही एबनॉर्मलिटी में आपका अपेक्स जो है वो राइट साइड दिख रहा है। राइट साइड का होने का मतलब हो गया डेक्सोकार्डिया, डेक्सोकार्डिया। माय लविंग फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर, डू यू अंडरस्टैंड एवरीबॉडी। दूसरी बात देखिएगा, दूसरी तरफ आइएगा, ये एक्सरे बता रहा है, एक्सरे बता रहा है कि जो आपका हार्ट है, जो आपका हार्ट है, उस हार्ट का जो अपेक्स है, जो अपेक्स है वो किस तरफ है बच्चों, राइट साइड में, किस तरफ पर, राइट साइड में। दैट एक्सरे इंडिकेट पेशेंट सफर विद द डेक्सोकार्डिया। डू यू अंडरस्टैंड एवरीबॉडी, डू यू अंडरस्टैंड एवरीबॉडी माय लविंग फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर। एबनॉर्मलिटीज मैंने आपके सामने पुट किया, ध्यान से देखिएगा। दूसरी तरफ एक्टोपिया कार्डिस को देखिएगा, हार्ट पार्शियली और कंप्लीटली, ध्यान से देखिए बच्चों, पार्शियली और कंप्लीटली योर हार्ट विल लोकेटेड आउटसाइड द थोरेक्स, थोरेसिक कैविटी के बाहर होगा। पूरा हो सकता है, आधा हो सकता है, पूरा हो सकता है, आधा हो सकता है। एक्टोपिया कार्डिस कहलाएगा, क्या कहलाएगा बच्चों, एक्टोपिया कार्डिस कहलाएगा। एक क्वेश्चन यहां पर बनेगा, एक एमसीक्यू यहां पर बनेगा, कॉम्पिटेटिव एग्जाम के पर्पज से बच्चों। ओके फाइन,